जैसे गुलाब जामुन और काला जामुन में अक्सर मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो अक्सर इस दोनों में जो डिफरेंस वो क्या होता है? गुलाब जामुन में डिफरेंस यही है कि जो उसमें खोआ नहीं रहता है गुलाब जामुन में। गुलाब जामुन जी जी, और काला जामुन में खोआ डलाता है। खोआ डलाता है, तो जो इंटीग्रेशन है काफ़ी अच्छा है, यूनिक कॉम्बिनेशन है। जी जी भैया, उसका मलाई कुछ और, मलाई का बहुत अच्छा लगता है। 20 क्विंटल 22 क्विंटल दूध जो है अभी डेली कर रहा है। 20 क्विंटल दूध का मतलब जो होता है डेली काला जामुन, डेली काला जामुन कर रहा है। नाइस टू मीट यू। आई टू। और प्लीज भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज हेल्प करो, अच्छा बंदा है। ओके थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मैंगो, वेलकम बैक टू द ऑनली फूड चैनल भुक्कट। और आज का मैं फूड रूप में मैं निकल पड़ा हूँ भगवानपुर की, जिसके लोकेशन की बात करूँ तो वो पड़ता है मुजफ्फरपुर और हाजीपुर को जोड़ने वाली N22 के रास्ते में। और हाँ, सुनने में आया वहाँ कोई मतलब साहू जी का काफ़ी सुप्रसिद्ध मिष्ठान भंडार है। हाँ, और खासन खास बात करें वहाँ के काला जामुन की, मतलब काफ़ी सुप्रसिद्ध है भाई, मतलब लाइन वाइन भी लगाना पड़ता है खाने के लिए। चलिए हम भी करते हैं वहाँ के काला जामुन को टेस्ट, और पता है क्या कुछ खास है यहाँ के टेस्ट में और मिल रहे हैं अन्य मिठाइयों में भी। सो गाइस चल मी। जी दोस्तों, यही है वो NS22 जो डायरेक्ट भगवानपुर होते हुए हाजीपुर की तरफ जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ से कहाँ से कुछ लिफ्ट मिलती है या फिर बस वस से भी जाना पड़े हमें, लेकिन आज तो काला जामुन खा के रहेंगे हम। हाजीपुर की तरफ भैया, रमदयालु की तरफ चलिएगा। अच्छा, तो रमदयालु तरफ तो जाइए, उस उधर ही हो गया ना। चलिए कोई जी दोस्तों, यहाँ रमदयालु तक की लिफ्ट मिल गई है, जहाँ से मुझे भगवानपुर और उधर हाजीपुर वाले रास्ते की लिफ्ट मिल जाएगी। जी दोस्तों, मैं तुर्की पहुँच चुका हूँ, ये है तुर्की चौक, और यहीं से मुझे आगे चलते हो, फिर वहाँ से मुझे सराय भगवानपुर के लिए लिफ्ट लेनी पड़ेगी। लेट्स सी। भगवानपुर तक चलो। थैंक यू अंकल। जी हाँ दोस्तों, मुझे भगवानपुर तक लिफ्ट मिल गई फाइनली, काफी टाइम से वेट कर रहा था। यही वो अंकल जिन्होंने दिया है। जी दोस्तों, यही हो भैया जिन्होंने मुझे अभी भगवानपुर तक छोड़ा है, एंड रास्ते में इन्होंने जो बातें बताई है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर, और नेक्स्ट कभी इनसे दोबारा मुलाकात हुई तो मैं आपको पक्का बताऊंगा इन्होंने जो बातें बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लाइफ से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड हो, काफ़ी अच्छी बातें बताई। ओके भैया, फिर मिलते हैं कभी। बिल्कुल, नाइस टू मीट यू। आई टू। और प्लीज़ भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज़ हेल्प करो, अच्छा बनना है। ओके थैंक यू सर। जी हाँ दोस्तों, बाकी चलते हैं अपने मिष्ठान भंडार की ओर, कराते हैं आपको काला जामुन का टेस्ट, देखते हैं क्या कुछ खास है वहाँ के मिष्ठान भंडार में और कितना कुछ अलग होता है यहाँ की मिठाई और काला जामुन। चलो फिर। एंड एज यू कैन सी गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ तो वन एंड ओनली वन ऑफ द फेमस स्वीट हाउस इन बिहार, साहू मिष्ठान भंडार के सामने। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ के काला जामुन को, देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ के काला जामुन में, बाकी मिल रहे हैं अन्य मिठाइयों में भी। एंड जैसा कि आप ये भीड़ देख सकते हो, भीड़ देख के आप यहाँ की पॉपुलरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे दिन में आते रहते हैं और पूरा दिन दुकान यूँ ही बिजी रहता है। चलिए बिना देर के चलते हैं अंदर और ट्राई करते हैं काला जामुन को, बताते हैं आपको क्या कुछ खास है काला जामुन में एंड मिल रही अदर मिठाइयों में भी। जी दोस्तों, अब अपनी बारी ये काला जामुन ट्राई करने के, तो चलिए करते हैं टेस्ट, बताते हैं आपको क्या कुछ खास है यहाँ के काला जामुन में। एंड जो इन्होंने सर्व किया है ना, मतलब जो मलाई है ये हल्के लिए ठंडी है, एंड जो काला जामुन काफ़ी गर्म है, तो ये ठंडे गर्म का कॉम्बिनेशन जो है ना काफ़ी अच्छा है, एंड मलाई के साथ जो काला जामुन का कॉम्बिनेशन है काफ़ी डेटली लग रहा है। लुक एट द कलर ऑफ काला जामुन, मतलब काला जामुन इसी वजह से इसका नाम है सर, क्योंकि इसे ना बिल्कुल डीप फ्राई किया गया है, एंड मुझे लगता है काफ़ी टुकड़ा होने वाला है। चलो ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी यार, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। गजब का कॉम्बिनेशन है यार, जो लजीजियत है ना, क्या बात है यार, काफ़ी अलग है।
एंड खासतौर पर इसे डीप फ्राई किया गया है जिससे कलर जो काफ़ी ब्लैक हो गया है, उसके साथ हल्का हल्का सोनापन भी है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड इसके अंदर जो आप मलाई है वो देखो येलो कलर का, एंड इसके अंदर जो खोआ का यूज़ किया गया है ये देखो बिल्कुल रेड रेड दिख रहा होगा, तो वो काफ़ी अलग तरीके का खोआ है एंड काफ़ी बेस्ट लग रहा है कॉम्बिनेशन इसका। आई बेट यू गाइस इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है मलाई के साथ काला जामुन का, भले आप काला जामुन में भी मिल जाए आपको कहीं मलाई के साथ कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा एंड पूरे बिहार में इस तरह का काला जामुन नहीं मिलने वाला है। बाकी भीड़ इतनी है कि मैं टेबल पे नहीं बैठ पाया अपना शूट करने के लिए, मैं चेयर पे बैठ कर रहा हूँ। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे पूरा टेबल बुक है ऑलरेडी एंड बाकी लोग लाइन में लगे हैं यहाँ आने के लिए, एक ही लेवल अलग है, मतलब क्या ही करना यार ऐसी दुकान पर। मतलब प्रॉपर आप मतलब भगवानपुर से ही हो या फिर कहीं अभी रास्ते में जा रहे थे तो रुक गए थे? नहीं, हम पटना में रहते हैं, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। सर अगर जनरली बात करें तो लोग जैसे हाईवे वगैरह से गुजरते हैं तो मतलब अगर चाहते हैं कि एक बार अगर जब रोड पे आ जाए तो बहुत ही मुश्किल ही होता है रुकना, बट स्पेशली आप गुलाब जामुन खाने के लिए रुके या फिर कुछ मतलब ऐसे मकसद और काम भी था? हम जब भी इस रास्ते से मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर मेरा घर हुआ, पटना हम सर्विस करते हैं, जब भी इस रास्ते से जाते हैं 20 साल से बिल्कुल हम यहाँ रुक के मिठाई खाते हैं। मतलब 20 साल से आप यहाँ? हाँ, 20 साल के हम नौकरी कर रहे हैं 30 साल से। अच्छा जी हाँ दोस्तों, तो ये 30 साल से सर रेगुलर आ रहे हैं। बाकी सर अगर बात करें यहाँ के खासम खास जो गुलाब जामुन मतलब काला जामुन है उसको लेकर काफ़ी चर्चा है, मतलब क्या कुछ खास होता है? मतलब जैसे आप मुजफ्फरपुर से हैं या फिर पटना में जॉब करते हैं, ऐसे सैकड़ों दुकानें जहाँ पे आप खा सकते हो, बट यहाँ के अगर काला जामुन की बात करें तो क्या कुछ खास है या अलग होता है? अच्छा, काला जामुन के अंदर जो ये डालते हैं ना, खोआ डालते हैं चाहे सब डालते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी होता है, जो इंटीग्रेशन जो होता है उसका काफ़ी बेहतर, बहुत टेस्टी होता है। बाकी कोई एक ऐसा खासम खास चीज़ जो आप हमारे व्यूअर को बताना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें एक चाहिए? काला जामुन बहुत अच्छा लगता है। काला जामुन विद मलाई? अच्छा, काला जामुन के साथ मतलब वो जो मलाई है? हाँ, मलाई बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी लगता है, मतलब जो इंटीग्रेशन है काफी अच्छा है, यूनिक कॉम्बिनेशन है। जी जी भैया, उसका मलाई कुछ और मलाई का बहुत अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि लोगों ने बताया यहाँ पे, थैंक यू भैया हमारे साथ देने के लिए, यहाँ जो इंटीग्रेशन है खासम खास जो काला जामुन का मलाई के साथ वो बहुत ही अलग है और काफ़ी यूनिक भी है। मैं भी पहली बार शायद देख रहा हूँ कि जो काला जामुन को यहाँ पे मलाई के साथ दिया जा रहा है और लोग काफ़ी चाव से खा रहे हैं और काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं भीड़ ही है, आप ये भीड़ हमेशा ऐसे करती है सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम को 9-10 बजे तक। अगर आप भी कभी आना हुआ, अगर आपको मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के रास्ते में और कभी आप जा रहे हो तो भगवानपुर रुको, या फिर इस जगह को जानने की कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी आप ठेले वाले फल वाले किसी से पूछ लो, वो एक बार में इस दुकान का रास्ता आपको बता देंगे। यहाँ का फेमस काला जामुन के बारे में बस आपको, जी दोस्तों, जितना यूनिक टेस्ट है यहाँ के काला जामुन में उतना ही यूनिक तरीके से यहाँ पे इसकी पैकिंग भी होती है। ये देखो, मिट्टी के बर्तन में काला जामुन को पैक किया जाता है और काफ़ी यूनिक तरीका है, काफ़ी ये हेल्दी भी है और एक तरह से इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। जो यहाँ पे पोली बैग है उसको अवॉइड करते हैं एंड काफ़ी हद तक अवॉइड किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ काला जामुन किस तरह मिट्टी के बर्तन में पैक किया गया है, काफ़ी यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है देखने में। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहू मिष्ठान भंडार के कारखाना के अंदर और इस वक्त हमारे यहाँ का ऑनर भी मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है काला जामुन को, जो इस तरह की प्रसिद्धि है यहाँ पे। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमन कुमार है। सर कितने साल पुरानी दुकान है यहाँ पे? ये हो गया लगभग 80 वर्ष, हम लोग के दादाजी पहले स्टार्टअप किए थे, उसके बाद 80 साल पुराना ये दुकान है। मतलब अगर बात करें ये काला जामुन की प्रसिद्धि की तो वो कब से है? काला जामुन हम लोग का पहले पेड़ा प्रसिद्ध था। पेड़ा? जी, पेड़ा अभी भी बनाते हैं लेकिन पेड़ा के साथ में और की काला जामुन जी, पेड़ा के साथ पहले लाल मोहन बनता था, उसके बाद हम लोग काला जामुन बनाए, लाल मोहन से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में जी। सर जैसे गुलाब जामुन और काला जामुन में अक्सर मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो अक्सर इस दोनों में जो डिफरेंस वो क्या होता है? गुलाब जामुन में डिफरेंस यही है कि जो उसमें खोआ नहीं रहता है गुलाब जामुन में। गुलाब जामुन जी जी, और काला जामुन में खोआ डलाता है। खोआ डलाता है, मेन वही बात है। जी हाँ दोस्तों, तो मेन ये डिफरेंस है। बाकी जो कलर जो है गुलाब जामुन का मुझे लगता है हल्का थोड़ा डाउन होता है, लेकिन काला जामुन की बात करें तो काफ़ी काला, तो मतलब काफ़ी उसको अच्छे से फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई। जी, काला उसको इसलिए किया जाता है जो उसमें खोआ रहता है, काला होने के बाद सोनापन आ जाता है मिठाई में। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो टेस्ट करके मैंने देखा, वो मतलब सोनापन आ जाता है, इसलिए हम लोग उसको गुलाब जामुन को गुलाब जामुन भी कोई कोई बोल देता है।
जी हाँ दोस्तों, इस वक्त साहू मिसान भंडार के हम मेन उस्ताद के साथ है, जो कि यहाँ पे जो टेस्टी काला जामुन बाहर में परोसा जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है वो आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। और ये ही वो है जो यहाँ पे जो भी काला जामुन प्रिपेयर होता है वो पूरा दिन लगते हैं और पूरी मेहनत से बनाते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास इंटीग्रेशन होता है काला जामुन पे यहाँ पे। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। नाम राम बाबू साहू है। अच्छा सर, जैसे बात करें यहाँ पे रोज अगर बात करो तो मतलब कितने 100 किलो मतलब बन जाता होगा आसपास अगर काला जामुन की बात करें, जिस तरह जितना बड़ा जो ये मशीन है चाहे कारखाना है। अभी तो मेरे यहाँ सप्लाई बहुत है, आलू का मांग अधिक है लेकिन हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तकरीबन लगभग 20-22 क्विंटल दूध जो है अभी डेली कट रहा है। 20 क्विंटल दूध का मतलब जो होता है डेली काला जामुन, डेली काला जामुन कट रहा है, काला जामुन चाय पेरा जो भी है ना 20-22 क्विंटल का खपत है। उसके बाद भी और गांव की मांग मतलब है, डिमांड और है बट हो नहीं पा रही है, हो नहीं पा रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग मिलावट भी नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, जो भी फ्रेश बनिया है वो हम लोग बना। चलो धन्यवाद सर हमारा साथ देने के लिए। एंड गाइस, आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है ना काफ़ी बेटर रहा है, मतलब आज तक मैंने ऐसा काला जामुन और ये मलाई के साथ कभी ट्राई नहीं किया। बाकी इट्स टाइम टू रिटर्न टू आवर्स आवर होम। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास तरीका होता है, चेकिंग हो पाती है नहीं या फिर मुझे जाना पड़ेगा बस से। लेट्स सी।